गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी के शाम के 6 बजने वाले हैं और मैंने आज का वीडियो आज 6 बजे स्टार्ट किया है क्योंकि आज मेरे पास दिखाने को कुछ नहीं था और मेरी तबीयत भी थोड़ी ढीली सी हो रही थी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्या कि रोज़ एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो स्पेशल चीज़ क्या है। वो स्पेशल चीज़ ये है, देखिए। आज मतलब कि मैं भी फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं है। हाँ, फर्स्ट टाइम एक बार खाया था, फर्स्ट बार भी लास्ट बार भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है। बना में लास्ट मतलब फर्स्ट बार रही हूँ बना। तो ये है पोटैटो, तो ये है चिल्ली पोटैटो। मैं बनाने की स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मतलब कि इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के सारा बैटर तैयार कर लिया है, इसमें मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने बेसन का यूज़ नहीं किया है और ये बना रही हूँ। तो चलिए बनने के बाद मिलते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर करना कुछ करते सानू क्या के अच्छा सानू नहीं यहाँ पे वहाँ अच्छा मैं भी देखूं, देखो ए शानू की कुर्सी। शानू ये दादी कौन सा लगेट खोलो एंट्री आ जाओ। बारिश भी तो आज बहुत दिनों बाद हुई, खुशी भी बहुत हो रही है। गर्मी लग रही होगी ना, क्या पता। मैं जो तुम्हारा बिग फैन आने वाला वो आया ही नहीं, मैंने इसलिए कैमरा उठाया था। बड़ा मस्त करके तुम्हारा वेलकम करता है ना वो। ये देखो क्या गाइस, देखो क्या जुगाड़ करके ला रखे थे, ऊपर नहीं फेंक दी तुमने। तो बाद में वो पानी होगा ना। अच्छा हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लाइट भाग चुकी है और ये भी नहीं जा पा। चलो गाइस अंधेरा हो रहा है, बाद में मिलते हैं, बाय। सो गाइस रेडी हो चुकी है मेरी चिल्ली पोटैटो।
लाइट नहीं थी इस मारे मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई। ये तोरी की सब्जी है, ये चिल्ली पोटेटो है, ये रोटी है। हमारा खाना लगभग तैयार हो चुका है और रात के 9:30 हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल अभी आए जस्ट अभी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं रेसिपी के लिए अलग से वीडियो बना लूँगी। तो मिलते हैं हम खाने के बाद या फिर कल ही मिलेंगे, कुछ पता नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तब तक ले, बाय बाय।